हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज और जानेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में इस वैकेंसीज को निकाला गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया है वो आया है श्री सखराम जी देशमुख महिला विश्वविद्यालय गोंडिया से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस कॉलेज में जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, होम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए वहाँ वैकेंसीज को निकाला गया है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी की यहाँ पे जो कैटेगरी है ओपन में वन पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं जूलॉजी की भी ओपन में वन पोस्ट है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की या हम पे स्केल की, तो पे स्केल आपको यहाँ मिलेगा एज पर UGC एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ, ठीक है, इना कंसर्ड रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MSc बॉटनी में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने PhD में 2009 से पहले अगर आपने रजिस्टर किया है तो यहाँ पे आपको कोई भी नेट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपकी जो PhD डिग्री होगी वो अवार्डेड होनी चाहिए रेगुलर मोड में। एटलीस्ट आपके PhD थीसिस के दो एग्जामिनर्स ने इवेलुएट किया होना चाहिए, और आपका जो है PhD बाय वर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो है 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके PhD वर्क से, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट लाइक पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी में। अगर हम बात करें कि आपने अगर अपना PhD जो है वो अब्रॉड से किया है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो यहाँ पे 3 रैंकिंग दे रखी, तो इन तीनों रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट बता दूँ, जैसे कि रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का एट द ग्रेजुएट एंड मास्टर लेवल, अगर आप SC ST डिफरेंसली एबल्ड हैं या OB, अगर आप एडर बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर या टीचर के लिए भी यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया है, तो मैन की सेपरेट और वुमेन की सेपरेट। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्म्स है रन या वॉक टेस्ट की वो भी यहाँ मेंशन कर रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अप टू एज लिमिट, यानी एज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है नॉर्म्स हैं रन या और वॉक टेस्ट के, तो आप इसके लिए जो है अकॉर्डिंग टू योर एज आप इस फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर या टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो यहाँ पे लास्ट डेट हो 9 फरवरी, तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पे यानी कि प्लेन पेपर आप ले सकते हैं, और प्लेन पेपर या प्रेस्क्राइब परफॉर्मर जो दिया गया है वेबसाइट पर वो ले सकते हैं। और उसको आपको करना कि आपको अपने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके नेट का सर्टिफिकेट या आपकी मार्कशीट, उन सबको आपको अटैच करना है और आपको सेंड कर देना है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर श्री सखरामची देशमुख महिला विश्वविद्यालय में कामताटाल गोंडिया डिस्ट्रिक्ट गोंडिया। तो यहाँ पे आपको सेंड कर देना, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो पहुँच जाने चाहिए 9 फरवरी 2021 से पहले। और साथ ही साथ आपको जो है पोस्टल ऑर्डर जो है वो बनाना है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो पोस्टल ऑर्डर बनवाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल या डीन डायरेक्टर के फेवर में आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना है, और अपने जितने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं या सर्टिफिकेट है उसे आपको सेंड कर देना है अपने CV के साथ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो कि आया है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा से। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर साइंस हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो क्या कंप्यूटर साइंस, सबके लिए ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। और यहाँ पे आपको जो लाइक एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद टेस्टिमोनियल्स इट्स टू रीच बिफोर 7 फरवरी 2021, या आप इसको ईमेल भी अपने डॉक्यूमेंट और CV कर सकते हैं। तो ईमेल यहाँ पे दे रखा है career@GLA.ac.in। तो यहाँ पे अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर ये आया थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट सबके लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज को निकाला गया है। और जो यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपकी है 1 मार्च 2021, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं
तो आप जो है अपना जो एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स और मार्कशीट आपको सेंड करना, और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 1 मार्च 2021। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अभी आपके एप्लीकेशन होंगे वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही यहाँ पे सेंड करने हैं। तो आपको सेंड करने के बाद क्या होगा, आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे अप्लाई इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, या जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।